ये कुंती महारानी की, कुंती महारानी की रचना बहुत था, विशेष है श्रीमद भागवतम का पहला प्रार्थना है जो एक स्त्री के द्वारा की गई है, वो भी भगवान के बहुत ही विशेष अनन्य भक्त जो है महारानी कुंती। तो जो पहला ये 18, 19 और 20 श्लोक है, इसमें भगवान को जानने के लिए, भगवान का देखने के लिए योग्यता के बारे में कुंती महारानी बता रही है। तो 18 नंबर जो श्लोक जिस प्रकार था कि नमस्य पुरुषत्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यस्य सर्वभूतानाम अंतर्वहिर अवस्थितम। तो कुंती महारानी अपने बुआ को प्रार्थना कर रही, बुआ को प्रणाम कर रही है, नमस्कार कर रही है, क्योंकि उनको भली बात जानती थी कि ये जो है परम पुरुष है, भगवान कृष्ण है, और ये परम पुरुष नहीं है, वो ईश्वर है और वो प्रकृति से परे है और वो परमात्मा के रूप से सबके हृदय में बैठे है। अंत अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्वहिर अवस्थितम। तो फिर प्रश्न उठता कि अगर भगवान बाहर भी है और अंदर भी है तो भगवान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसके लिए फिर कुंती महारानी जो दूसरा श्लोक का वर्णन करती हैं कि क्योंकि आप जो है अपने आप को जो है माया के पर्दा के द्वारा ढाक के रखे हैं। माया जवनिका छन्नम अदोख्यजम अवयम ना लक्ष्यस्य मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। दो प्रकार के विशेष जो है भगवान के, योग माया और महामाया के द्वारा भगवान जो है क्या अपने आप को ढाक के रखे हैं, है ना। जैसे हमने कभी दर्शन के लिए आते हैं भगवान के मंदिर में तो हम कहते हैं कि अभी जो पर्दा बंद है ना, लेकिन पर्दे के पीछे भगवान है, लेकिन हमको नहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो माया जवनिका छन्नम, तो कुंती महारानी श्रीपति की कौन सा व्यक्ति जो है आपको दर्शन कर सकता है ना। क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति है जो भगवान का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपने जैसे बताया कि ज्ञान जो है अधोक्ष, जो क्योंकि भगवान अध्यक्ष है तो इसलिए ऐसा लोगों को भगवान नहीं दिखाई पड़ता है ना। तो फिर जो है कम बुद्धि वाले लोग है, अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिसके लिए कम बुद्धि वाले लोगों के लिए विशेष करके भगवान जो अर्च विग्रह के माध्यम से मंदिर में प्रकट होते हैं, स्थापन किया जाता है, तो विशेष करके जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, तो उसका आवश्यकता है। विशेष करके हम जैसे के लिए जो बद्ध जीवात्मा के लिए, क्योंकि अगर हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो हमारा आता है, तो ये बहुत ही जरूरी है। तो फिर तो इस करके तो फिर लेकिन कुंती महारानी यहाँ पे विशेष करके अपने दैन्यता को प्रकट कर रही है, दीनता को प्रकट कर रही है ना। तो इसलिए कुंती महारानी कह रही हुई कि आप जो है विशेष करके परमहंस, परमहंस मतलब तथा उन्नत आध्यात्मिकवादी है, और मुनि नाम जो मुनि लोग हैं मतलब महान चिंतक या विचारकों के, और अमल आत्मा नाम विशेष करके ये जो तीन श्रेणी के लोग हैं उनको आप एक्चुअली दर्शन देते हैं, है ना। तो आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम, तो तथा परमहंस मुनिना आत्मनाम भक्ति योग विधानार्थम। तो लेकिन मैं एक स्त्री हूं तो मुझे कैसे आप दर्शन दे रहे, मैं कैसे आपको देख सकता हूँ। तो कुंती महारानी भगवान को दर्शन कर रही है, भगवान का साक्षात्कार कर रही है, भगवान का दिव्य लीला को चिंतन कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपने दीनता को प्रस्तुत कर रही है कि जब तक हमारे अंदर दीनता नहीं आता तो तब तक हम भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो भक्ति योग विधान अर्थम कथम पश्यम ही स्त्री। तो बहुत ही विशेष
दिलचस्प विषय है, मैंने चर्चा के विषय है, क्योंकि जो शरणागति का अच्छा अंग के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं, और फिर हरिविक विलास में जो वर्णन आता है कि शरणागति का जो छह अंग है, तो विशेष करके जो है दैन्य और आत्मनिवेदन, गोप तुरते वर्णम रक्षसु विश्वास, और फिर जो है अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्णनम, ये शरणागति का छह विभाग है। तो जिसका शुरुआत भक्ति विनोद ठाकुर शुरुआत करते हैं कि दैन्य और आत्मनिवेदन है ना, दीनता। तो प्रभुपद यह लिखते हैं, इसलिए बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तथा भगवान की धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषद में कहा गया कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व तो बड़े से बड़े दार्शनिक के चिंतन शक्ति से परे है, क्योंकि भगवान जो है अधोख्य जो है असमूर्त है, भगवान ना किसके बराबर है, वो भगवान के कोई बराबर कर सकता है या भगवान से कोई उर्ध्व हो सकता है ना, अकेला ईश्वर कृष्ण हरिश्व भृत्य। तो बड़े बड़े दार्शनिक चिंतन भी भगवान को जान नहीं सकते है, तो वह महान विद्या या महानतम मस्तिष्क के द्वारा वे भी नहीं जा सकता, या कि बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है तो वो भी भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो मेरा क्या योग्यता है कि मैं भगवान को जान सकूं? तो ये दीनता के बारे में विशेष करके इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि जब तक एक्चुअली हम लोग किसी भौतिक संचार भव सागर में पड़े हैं ना, जिसको भक्ति ठाकुर करते हैं कि और भक्ति ठाकुर भी अपने प्रार्थना में गाते हैं ना कि भजन है दैन्य मतलब शरणागति का जो विशेष करके जो जो ये जो छह भाग विभाजित किया गया, तो शरणागति का जो प्रो भक्ति विनोद ठाकुर का ये वर्णन है, तो उसमें प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि जो है इस भौतिक जगत में आए हैं, जिसको भव सागर कहा गया। तो इस भव सागर में, जैसे सागर में हम देखते हैं कि हमेशा जो नहरी है ना तूफान आता है, तो इस प्रकार एक्चुअली कि हम इस जो भव सागर में गिरे हैं, और वहां पे हम कभी भी अपने स्थिति को एक जो है जिसको कहते हैं कि शांत वातावरण हम कभी हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमेशा समुद्र में क्या होता है कि अशांति फल रहता है ना। तो इसलिए ऐसा परिस्थिति में जो भौतिक जगत है, जहाँ पे पदम पदम जिसको ब्रह्मा जी भी अपने प्रार्थना में ब्रह्मोभिन्न लीला के बाद इस ये करते हैं कि इस भवसागर जो है जहाँ पे पद 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 क्या है विपद है, तो इसलिए हमको हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान का नाम को स्मरण करना चाहिए। जैसे भगवान सातवां अध्याय के 14 नंबर श्लोक में कहते हैं कि देवी श्री गुणमयी मम माया दुरतया भावैपम प्रपद्यन्ते मायम तरन्ति देव। तो इस भावसागर जो है देवी गुणमयी, ये गुण कहा गया मतलब तीनों गुण के सत रज और तम गुण के प्रभाव से ये हर व्यक्ति एक्चुअली कार्य करता है। तो ये भगवान के जो माया है, ये मम माया, तो इसको लांघना, इसको पार करना एक्चुअली अत्यंत कठिन है, असंभव है। लेकिन कोई अगर मेरे शरण में आता है तो उसे आसानी से पार निकली है। तो विशेष करके भगवान के शरण में कलियुग में, क्योंकि कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार कहा गया, तो जैसे भी कभी भी हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई विपद आता है, तो अगर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान को जोर जोर से पुकारते हैं, तो हम जो है भगवान हमको स्वयं रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में वचन दिए कि नमे भक्त प्रणिशति,
कुंते प्रतिजान ही नवे भक्त प्रणशति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होते, मतलब मेरा भक्त का जो भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है, शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है, वो दूसरे जो जीवन दूसरे जीवन प्राप्त होता है शरीर, तो वहां से फिर भक्ति जो शुरुआत होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम थोड़े से अगर लापरवाही करते हैं खुरुष धारा, जैसे हम भागवत में वो उदाहरण आता है कि जैसे हम जो खुर या जो रेजर यूज करते हैं, तो कभी अगर थोड़ा सा हमने अगर लापरवाही करते हैं तो फिर वो कट जाता है। तो इस प्रकार से कि भौतिक जगत में अगर हमने थोड़े से लापरवाही किए तो माया जो है वो हमको अच्छी क्या करे ये चार हमको चपक देता है, हमको तुरंत पकड़ लेती है, है ना। कृष्ण भूलिया भोगवांछा करे निकटस्थ माया तरे छपिया धरे, क्योंकि हम भगवान बोलते कि इस मम माया है। हा? तो इसलिए कि हम इस भव सागर में गिरे हुए, तो जब तक एक्चुअली हम भगवान का शरण नहीं लेते हैं, और कलयुग में भगवान का शरण लेना मतलब बहुत ही आसान है, क्योंकि केवल जो है ये हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा सुनती है। तो यहाँ पे इसलिए विशेष करके जो कुंती महारानी कहती है कि आप जो है इस परम हंस जो है, क्योंकि हंस का जो स्वभाव है वो पानी दूध से पानी को अलग कर सकते हैं, तो भगवान के जो महान भक्त है उनको परम हंस कहा गया, कि वो हंस से भी अधिक है, क्योंकि वो ऐसा स्थान पर रह के भी उनसे प्रभावित नहीं होते। पदम पत्र वासुति, जैसे जल में कमल खिलता है लेकिन वो कमल कीचड़ से निकलता है लेकिन वो कीचड़ को स्पर्श नहीं करता है, तो इस भव सागर में रहते हुए भी भगवान के जो अनन्य भक्त है, महान भक्त है, उत्तम अधिकारी उत्तम कोटि का भक्त है, उनको माया कभी भी स्पर्श नहीं करती है। तो परम हंसा नाम, तो ऐसा जो ये है लोग जो है भक्त जो है वो हमेशा एक्चुअली क्या कि भगवान का चिंतन करते हैं, है ना। तो परम हंस इसलिए उनको कहा गया कि जो है जो जानता है कि सब कुछ भगवान से आता है, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते बूढ़ा भाव समन्वित, जो बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया क्योंकि जानता है कि सब कुछ भगवान से आता है, तो कष्ट भी आता है, दुख भी आता है, संकट भी आता है, वो भी भगवान के द्वारा आता है, तो इसलिए वो इससे प्रभावित नहीं होते हैं। और फिर दूसरा जो कैटेगरी कहा गया यहाँ पे कि मुनि नाम, मुनि विशेष के प्रोपाद लिखते कि दो दार्शनिक है और जो चिंतक है ज्ञानी है, तो वो ज्ञानी कहा जाता है कि जैसे बहु नाम जनो नाम अंते ज्ञानवान प्रपदन्ते वासुदेव सर्वति समात्मा सुदुर्लभ, जिसने ज्ञानी है उसमें ये श्रेष्ठ है जो जानता है कि एक्चुअली भगवान वासुदेव वसुदेव के पुत्र, तो फिर स्वमहात्मा सुदुर्लभ। और फिर तीसरा कैटेगरी जो कहा गया कुंती महारानी कहती है कि अमल आत्मनम, मतलब जिनका हृदय पूरी तरह से मल से मुक्त है, किसी प्रकार का अनर्थ उनके हृदय में नहीं है, होती है। तो ये विशेष करके फिर कुंती महारानी यहाँ पे अपने दीनता को प्रकट कर रही है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी गाते हैं, आमार जीवन सदा पापे नाही ता पुनेरा लेता। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो कमल मंजरी है लेकिन वो प्रार्थना करती है भगवान को कि मेरा जो जीवन है हमेशा पाप से मरत होता हूँ और नहीं तो किसी भी प्रकार के पुण्य नहीं है, है ना। तो लेकिन हमारे सोच एक्चुअली सोच के बिल्कुल विपरीत है, तो हम सोचते हैं कि एक्चुअली मैं बहुत पुण्यवान हूँ और मैं पूरी तरह से पाप से मुक्त हूँ, तो इसलिए हाँ यहाँ पे कुंती महारानी जो अपने दीनता को प्रकट कर रही है कि जब तक हमारे अंदर ये दीनता प्राप्त नहीं होता है तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, ऐसी है। तो विशेष करके यहाँ पे
हम देखते हैं कि ये जो तीन प्रकार के होते हैं कि एक है परमहंस, एक है मुनि नाम और एक है अमल आत्मा नाम होती है। तो ये तीन कैटेगरी का जो लोग भक्त है वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हम भगवान के पास अगर जाते हैं तो, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के पास जाके हमको जो है हमारा जो है रोजी रोटी नहीं मांगना चाहिए, हमारे जो कष्ट को हमको विशेष करके हम जाके भगवान को प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको जो है भगवान के सामने जाके हमको भक्ति मांगना चाहिए, उनको सेवा मांगना चाहिए। तो चलिए कुंती महारानी भगवान को ये आगे जाके वो प्रार्थना करेगी। तो विशेष की इस प्रार्थना में कुंती महारानी ये बताने चाहते कि मैं तो कोई बड़ी दार्शनिक नहीं हूँ, मैं कोई चिंतन नहीं हूँ, मैं कोई जो है बड़े परमहंस नहीं हूँ, मैं कोई भगवान का भक्त नहीं हूँ, तो मुझे कैसे आप प्राप्त होंगे? एक्चुअली कुंती है, मैं तो एक स्त्री हूँ, तो इसलिए जो है जिसके के दसम पहला स्कंद का दसम अध्याय में जो भगवान हस्तिनापुर से द्वारका की तरफ प्रस्थान करते हैं, वहाँ शुद्ध गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी बहुत ही एक सुंदर श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं, क्योंकि ये जो हस्तिनापुर के स्त्रियां थे है ना, तो वो क्योंकि बाकी जो पुरुष है विशेष करके भगवान के भक्त थे, वो उनके साथ भगवान का आदान प्रदान हो रहा है क्योंकि भगवान अभी द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन ये स्त्रियां जो है वो अपने छत पे चली गए और आपस में क्या कर रहे हैं, वो वार्तालाप कर रहे हैं, वो आपस में भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बाहर एक दृष्टि से लग रहा है कि ये लोग एक्चुअली क्या के प्रजल्प कर रहे हैं, लेकिन वो प्रजल्प कैसा था, अन्यन्य आशित संजल्प उत्तम श्लोक चेत साम गौरवेंद्र पुरस्त्री नाम सर्वश्रुति मनोहरा। ये जो स्त्रियां थे, एक है प्रजल्प, दूसरा है संजल्प। प्रजल्प मतलब फालतू बात करना, ग्राम्य बात करना, और संजल्प मतलब भगवान के संबंधित बात करना। तो हालांकि वो लोग बात कर रहे थे कि अभी भगवान जा रहे हैं और द्वारका में भगवान के 16,108 रानी है, उसमें से अचली के जो आठ जो रानी अचली मुख्य है, उसमें से फिर रुक्मिणी और सत्यभामा, तो भगवान के जो पारिवारिक संबंध को ये लोग रचना मतलब वापस में चर्चा कर रही थी, लेकिन वो भगवान से संबंधित था, इसलिए उत्तम श्लोक चेत साम, वो ये कोई पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े मुखिए नहीं थे, वो तो एक्चुअली गोपियों के बारे में कहा जाता है कि वो तो गाय दूध करते गोबर साम निकाल रही थी है ना, तो खेती में तो उनके कोई योग्यता नहीं था, लेकिन फिर भी वो भगवान से सबसे प्रिय थे। तो उत्तम श्लोक चेत साम गौरव इंद्र पुरुष सर्वश्रुति मनोहर, जिसमें श्रुति कहा गया कि जिसमें शास्त्र में भगवान के बारे में बहुत उच्च कोटि के जो है वर्णन आता है ना, लेकिन ये जो भगवान के बारे में अपने पारिवारिक बात कर रहे हैं, ये भगवान को सर्वश्रुति मनोहर मतलब श्रुति से भी अधिक प्रेम है भगवान को अधिक। तो इसलिए कहा गया कि जो बड़े बड़े जो दार्शनिक विद्वान पंडित आए भगवान के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो क्या चली कि लोक मंडनम लोक रंजनम चली, वो सब बेकार है चली। इसलिए भक्ति जो है विभक्ति से बड़े है, विभक्ति मतलब से संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है, छंदि उच्छेद मत है, तो ऐसा कुछ मूल्यवान मूल्य नहीं होता है। तो विशेष करके हम देखते हैं कि भगवान को जाने के लिए कोई पांडित्य का कोई जरूरत नहीं होता है, कोई धन की जरूरत नहीं होता है, कोई पुण्य की जरूरत नहीं होती है, केवल भक्त माम अभिजानती। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि जो स्त्री है
वो विशेष रूप से एक्चुअली बहुत ही सरल हृदय वाली होती है, और वो जैसे कहा जाए थे कि मैन मतलब पुरुष एक्चुअली क्या है, वो रैशनल होता है और स्त्री जो होता है एक्चुअली इमोशनल होता है ना, तो इसलिए वो आसानी से एक्चुअली क्या होता है कि वो भक्ति को जल्दी से एक्चुअली पकड़ पाते है ना। तो विशेष करके हम देखते हैं कि भागवतम में जो 23वां अध्याय आता है जिसमें भगवान ने जो मथुरा के बड़े बड़े विद्वान पंडित ब्राह्मण थे और यज्ञ कर रहे थे, उसी समय कृष्ण और बलराम जो जंगल में थे गाय चराने के लिए, और उनको ग्वाल वाल को सखाओं को भूख लगा, और सखा लोग ने भगवान को प्रार्थना किए कि आप तो बड़े बड़े राक्षस को मारे हैं लेकिन हमारे अंदर जो भूख राक्षस है उसको भी आप मार सकते हैं। फिर कृष्ण ने बाद में जो यज्ञ सामग्री के लिए भोग रखे तो उसको मांगिए, तो वो जब गए तो उनको प्राप्त नहीं हुआ, वो निराश होकर जो वापस आए तो भगवान ने उनको फिर से भेजा कि आप जाइए उनके स्त्रियों के पास। तो उनके स्त्रियों के पास जब गए एक्चुअली गांव गए वहां पे, तो उन्होंने एक्चुअली भर भर के जो भी बनाया था एक्चुअली वो दिए, और साथ में जो पता चला कि वो भगवान निकट जंगल में आए हुए तो उनके दर्शन के लिए एक्चुअली वो घर छोड़ के आ गए है ना। तो ये जो लीला वर्णन आता है 23वां अध्याय 10वें स्कंद में, तो उनका अंदर कोई यज्ञ नहीं था। ये ब्राह्मण बड़े बड़े यज्ञ वगैरह करते थे लेकिन उनको उद्देश्य पता नहीं था कि यज्ञ वही विष्णु की भगवान का प्रसन्न के लिए करना चाहिए। सम सिद्धि हरि तोषणम। तो विशेष करके हम देखते हैं कि दो दिन पहले जो हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित का आविर्भाव तिथि था, ये जो दो बड़े ब्राह्मण हुआ करते थे नवद्वीप में, तो उनके बारे में कहा गया कि जैसे हम लीला को चर्चा किए थे कि चैतन्य बचपन के लीला में एकादशी के दिन उनको भूख लगा, रोने लगे और जितना भी हरिनाम कर रहे हो चुप रहते हैं। फिर तो पूछा गया तो निमाय ने बोले कि अगर आप मेरा रोना बंद करना चाहते तो मुझे जो ये दो भाई है हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित उनके घर में आज उन्होंने भोग लगाया भगवान विष्णु को 56 भोग वे मुझे चाहिए। तो उनके बारे में कहा जाता है कि जो हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित ये जो है कृष्ण लीला में ये जो ब्राह्मण की पत्नी थे वही श्री चैतन्य लीला में भगवान के लीला में भाग लेने के लिए, तो ये जो इस ब्राह्मण परिवार में फिर से जन्म हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु का अनन्य भक्त बने अस्मृति है। तो ये जगदीश पंडित के बारे में कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश दिए थे कि आप गृहस्थ आश्रम के प्रचार करो, तो उन्होंने प्रचार किए लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पुरी में आए तो जगदीश पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए पुरी में, और उनको बहुत इच्छा हुआ चले कि चैतन्य महाप्रभु को वापस बुला लेने के लिए। तो महाप्रभु ने बोले कि जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। उसी समय नव कलवर हुआ था, भगवान को नया शरीर प्राप्त हुआ था, तो भगवान का जो पुराना शरीर है एक्चुअली क्या होता है कि जमीन पे नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली कि वही उसमें जो है जगन्नाथ जी को उनको सौंपे थे, और वही जो जगदीश पंडित इस जगन्नाथ जी को लेके और वहां जगन्नाथपुरी से नवद्वीप तक आया, तो वो विग्रह आज भी प्राप्त होता है। गांव है जिसका नाम है चगदा, तो उसी गांव में वही जगन्नाथ जी का विग्रह आज भी सेवा पूजा हो रहा है जो जगन्नाथपुरी से प्राप्त हुआ था उनको ना? तो इसलिए यहाँ विशेष कर कहा गया कि भगवान को जानने के लिए कोई योग्यता नहीं, केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। और फिर श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि विशेष करके जो भगवान कालिया को उद्धार किए, तो उसमें कालिया तो इतना दुष्ट था कि भगवान को तो अपने विष के प्रभाव से वो एक्चुअली पहले तो उसने अपने शरीर से उनको जकड़ दिया और उनको कुचलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन भगवान एक्चुअली क्या अपने आप शक्ति से बाहर आए। आने के बाद एक्चुअली क्या कि कालिया के अंदर जितना विष था और उस विष को एक्चुअली अपने पैर पे प्रहार करके उसको सारे विष को उगलाए,
और उसी समय कालिया उचली हस्त नस्त हो गया, परेशान हो गया। वो समझ पाए कि एक्चुअली कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, पति है। और उसी समय जो कालिया के पत्नी थे तो वो लोग एक्चुअली भगवान को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं कि हम आपके भक्त है और हम आपका पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप जो है इनको कालिया को आपने कैसे इतने भर सारे भर के एक्चुअली क्या किया, आपने चरण का रज्जू दिए, उन चरण का धूल उनको प्राप्त हुआ, तो ये उनका प्रार्थना था। तो ये जो नागपत्नी थे लेकिन फिर भी उनको भगवान का भक्ति कैसे प्राप्त हुआ था, है ना। तो विशेष करके इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ये जो है दीनता, तो जब तक हम अंदर दीनता प्राप्त नहीं होता है तब तक एक्चुअली हम भगवान को जान नहीं सकते, भगवान को ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही है कि आप जो विशेष करके परमहंस है, मुनिन है और अमल आत्म है, तो उनको तो प्राप्त होते हैं, लेकिन मैं तो एक तुच्छ स्त्री हूँ, तो मैं कैसे आपको समझ सकती हूँ। तो ये उनका दयनीयता था। और प्रहलाद महाराज भी जब हिरण्यकश्यप का वध के बाद सारे जो देवता लोग भगवान का ये जो है उग्र रूप देख के उनके सामने नहीं आ रहे थे, उसी समय सारे इंद्र चंद्र वरुण की लक्ष्मी देवी भी वो भी डर गई। और जब ब्रह्मा जी ने फिर प्रहलाद को भेजे, क्योंकि प्रहलाद आपके पिताजी को वध करने के लिए भगवान प्रकट हुए है, इसलिए आप कृपा करके शांत कीजिए उनको। तो प्रहलाद महाराज और कोई होता तो अपने को सोचता था कि मैं जो कार्य ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, जो कार्य लक्ष्मी देवी नहीं कर पाए, तो मैं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर स्मृति है। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना में प्रहलाद महाराज जो अपने प्रार्थना अर्पण कर रहे है, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो था सिद्धा सात्विकितान्तगतयो वचसाम प्रभावि नाराधितं पुरागणे अधुनापि पिप्रुः किं दुष्टम् अर्हति सामे हरिर् उग्र जातेः। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि तो प्रोपज बोलते कि ये जो है असली दीनता है, असली नम्रता है, दीनता नम्रता है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसे नम्रता दिखाई पड़ते हैं कि हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, मैं बहुत नम्र हूँ, मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद कहते कि वो फल्स ह्यूमिलिटी है, वो एक्चुअली एक तरह से एक अहंकार है, अपने आप को तुच्छ सोचना भी एक प्रकार का अहंकार है। हम अपने आप को तुच्छ सोच सकते हैं, लेकिन कोई अगर भगवान के भक्त हमको अगर कुछ सेवा के लिए अनुमति देते हैं, क्या सेवा देते हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए एक्चुअली कि मैं सेवा करने के लिए मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मुझे कहा गया इसलिए मैं करने के लिए प्रयास करूंगा। ये सही अहंकार है एक्चुअली, ये फॉल्स अहंकार नहीं, ये सही दीनता है, नम्रता है एक्चुअली उसमें। तो प्रहलाद महाराज इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े जो ब्रह्मा सुरगण मतलब जितना भी देवतागण मुनिगण सिद्धगण चारण ये सारे भगवान को दुष्ट नहीं कर पा रहे, भगवान संतुष्ट नहीं कर पा रहे है, तो मैं एक उग्र जाति में का एक असुर कुल में मैंने जन्मा हूँ, तो मेरा अंदर क्या योग्यता एक्चुअली मैं उनको संतुष्ट कर सकता हूँ। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि प्रहलाद जो है आपने आपको ये सही नम्रता हुई है चलिए कि आपने आपको तुच्छ समझना, लेकिन कोई अगर हमको कोई सेवा देते हैं तो सेवा को करने के लिए हमको पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए, यही एक्चुअली की सही अहंकार है ना। तो इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं रिनाउंसिंग, ये मतलब जैसे कहते हैं कि मैं कुछ त्याग कर लिया, जैसे बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग एक्चुअली वो त्याग करके जंगल में चले जाते हैं, लेकिन उस त्याग भी उनका अहंकार का कारण बन जाता है, इसलिए रिनाउंसिंग
रिनाउंसिंग फॉल्स ईगो, जो 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 जिसके जो त्याग किया हमने एक्चुअली कि वो भी एक अहंकार है, तो इसीलिए उसी को भी अगर कोई त्याग करता है तो एक्चुअली वो सही अहंकार होता है। तो प्रहलाद महाराज इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा देव सुरगण मुने हो सिद्धा किम तुष्टम अर्हति स्वामे हरि रुग्र जाते, मैं तो निच जात में मुहाऊं तो मैं भला भगवान को कैसे संतुष्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग कृपा करेंगे, अगर आप मेरे को प्रेरित करते हैं, आप मेरे को प्रेरणा देते हैं, तो मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा। तो ये सही अहंकार होती है। तो इस प्रकार से फिर जो है दूसरे अध्याय में भी कहा गया कि भगवान को विशेष करके प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए किसी भी प्रकार का योग्यता का जरूरत नहीं है। दूसरा अध्याय के चौथा नंबर, दूसरा स्कंध के चौथा अध्याय के 28 नंबर श्लोक में बहुत ही सुंदर श्लोक के बारे में कहा गया, जिसका प्रमाण आज प्रभुपाद जी ने सारे विश्वभर में उसको प्रचार किए उसके माध्यम से, साहित्य से। किराट हुन्नांधेरा उलिंदा पुलक सा आवीर सुंभा यवना खसादया येने चा पापयत अपस्रायातम शुद्ध्यंति तस्मै प्रभावृष्णे नमः। तो प्रभुपाद इसका शब्दार्थ में लिखते हैं कि जो किराट है, जिसको हम बोलते हैं कि सांताल बोलते हैं, विशेष करके जो काले लोग हैं अफ्रीका में रहने वाले लोग, उनके बारे में भागवत में देखिए वर्णन आते हैं। किराट कहा गया, हुना कहा गया, हुना दूसरा कैटेगरी जो लिखा है कि हुना मतलब जो जर्मन और रशिया में लोग रहने वाले, फिर आंध्र आंध्र प्रदेश के भारत होती है, फिर पुलिंदा जो ग्रीक वासी है, पुलकस जो चंडाल कहा गया उनको, है ना, कुत्ता के मांस खाने वाले, आभीर जिसको सिंधी कहा गया, और सवीर, सवीर एक कैटेगरी होता है भारत में पाया जाता है, और यवन, यवन मतलब गाय का मांस खाने वाले, है ना, जवन मतलब तुर्कीस कहा गया, और खासा, खासा मतलब कहा गया कि जो मंगोलियन है या चाइनीज है। तो ऐसा भी कोई नीच श्रेणी का लोग क्यों ना हो, किराट आविर यमन खसादाया ये ने चाप पाप, जो लोग इतने पाप से जुड़े हुए लेकिन यद अपास रहा था, अगर वो भगवान के शरण में आते हैं, भगवान के भक्तों के शरण में आते हैं, शुद्ध्यंते तस्मे प्रभाव, वो भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे श्रेणी के लोग आती है। और विशेष करके जैसे भागवत में वर्णन है कि ऐसे जो लोग थे, मतलब वर्णाश्रम धर्म के नीचे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नीचे जो लोग हैं, उनको ऐसी जगह में भेजा जाता था, है ना, लेकिन उनके बारे में भी कहा गया कि अगर भगवान के शरण में आते हैं तो वो भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इसलिए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, या विशेष करके प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कुंती महारानी के बारे में लिखते हैं कि एक्चुअली कि वो अपने आपको बड़ी नम्र सोचती थी, ये भावना थी, इसलिए इस प्रकार के प्रार्थना अर्पण करी। तो चैतन्य महाप्रभु के समय जो है, महाप्रभु जब एक बार दर्शन कर रहे थे गरुड़ स्तंभ से जगन्नाथ जी का, उस समय एक वृद्धा औरत विधवा, वो बड़े उत्सुकता से एक्चुअली की एक पैर जो है भगवान के कंधा में रखी और एक गरुड़ स्तंभ रखी भगवान को दर्शन कर रही है। तो गोविंदा जो है भगवान के सेवक थे तो डांट रही थी, तो भगवान को मना कर रहे कि देखिए मैं तो दर्शन करना हो, लेकिन असली दर्शन जो है उसका उत्सुकता से भगवान उत्कंठा से, है ना। और रिसर्च करके प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते थे कि जैसे वृंदावन में एक वृद्ध महिला रोज सुबह 3 बजे उठ के वो यमुना से पानी लेके आती थी, कि जो वंश गोपाल मंदिर पानी लेके आती थी गाढ़ा में प्रत्येक दिन, है ना। तो बताया गया भगवत गीता में नवम अध्याय में 32 नंबर श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि माम ही पार्थ व्यापश्रिता ये भी स्वीय पापयोनः
श्री अवश्य तथा शूद्र एपि आंति पराम गतिम। इसलिए कहा कि श्री अवश्य शूद्र चली पहुंचते हैं, उनको जो है शास्त्र कोई अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो भगवान के शरण में आते हैं उनको पाप योनि कहा गया तो लेकिन वो भी शुद्ध बन सकते हैं, है ना। फिर उसी का भी पहला स्कंद में चौथा अध्याय में नारद मुनि के जो प्राकट्य है उसमें भी वर्णन आते हैं कि श्री शूद्रादि जो बंधु नाम त्रिना श्रुत श्रुति को चरा कर्म श्रेय मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेतिहा इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। इसलिए देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो विदेश गए है तो उन्हें इस प्रकार से एक्चुअली जो प्रचार किए, विशेष करके प्रभुपाद जी को बहुत ही अपोजिशन हुआ भारत में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्त्रियों को दीक्षा दिए, उनको ब्राह्मण दीक्षा दिए और विशेष करके उनको भगवान के सेवा में लगाया, एक्चुअली विशेषकर भगवान का श्रृंगार करना होती है ना, तो इसके लिए प्रभुपाद जी को बड़े समालोचना सुनना पड़ा। लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे उस शास्त्र को, शास्त्र का मर्म जानते थे, तो इसलिए प्रभुपाद ने कभी पीछे नहीं हटे, है ना। क्योंकि शास्त्र का मर्म वही है कि नाहम विप्र चानरपति नापंति वर्णी गोपी भरतो कमल दास 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 अनुशास। जीवात्मा का जो असली स्वरूप है एक्चुअली की भगवान के भक्त के दासों के दासों के दास मिलती है, तो भक्ति करने का अधिकार सबको है एक्चुअली, उसमें कोई है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस जो ये को कभी भी ये नहीं किए। जैसे भगवत गीता में कहा गया कि तो अगर भगवान की भक्ति करता है तो सारे वर्णाश्रम से ऊपर चला जाता है वो। माम चो व्यभिचारे न भक्ति योग न सेवते सगुणान समाहिता ब्रह्म भूय कल्पते, है ना, है ना। क्योंकि भगवान के अगर भक्ति करते हैं कि वो सबसे बड़ा चतुर व्यक्ति, कृष्ण वही भजे से ही बड़ा चतुर व्यक्ति, है ना, तो व्यक्ति बड़े बुद्धिमान होता है। और हमारे संप्रदाय में देखते हैं कि विशेष करके गंगा माता गोस्वामी तो जगन्नाथपुरी में आज भी जो मठ उनके है श्वेत गंगा के पास में सार्वभौम भट्टाचार्य के, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार किए थे, उनको षडभुज का दर्शन दिए थे, वहां पे गंगा माता गोस्वामी का निवास है। बड़े ये जिन्होंने तभी जो तत्कालीन राजा थे मुकुंद देव, उनको उन्होंने दीक्षा भी दिए थे एक्चुअली मेरे गोड़िया धारा में, और विशेष करके फिर जाह्नवी माता जो नित्यानंद प्रभु के पत्नी जाह्नवी देवी ना, तो उनके बारे में कहा था कि नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद जो जाह्नवी माता जाह्नवी देवी पूरे हमारे गौड़ीय धारा के संप्रदाय के वो नेतृत्व कर रही थी, जाह्नवी देवी वो की माता थी, है ना। और फिर वर्णन आता है कि कृष्णा प्रिया ठाकुर जो इतने बड़े भक्त थे, नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हुए गंगा नारायण चक्रवर्ती, और उनके पुत्री जिनका नाम था कृष्ण प्रिया ठाकुर, है ना, तो वो तो हरि नाम के उच्चारण में इतने देखिए वो कभी भी प्रवचन में अगर कथा में बैठते थे तभी भी निरंतर उनके जिह्वा एक्चुअली हरि नाम को उच्चारण करती थी कृष्ण प्रिया ठाकुरानी होती। तो प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति कौन हो सकता है कि जो कृष्ण भक्ति को अपनाता है वही सबसे भाग्यवान व्यक्ति माना जाता है। हम संसार में मान लेते हैं कि जिसके पास पैसा है, धन है, ऐश्वर्य है, यश है, वो ये भाग्यवान व्यक्ति, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि जो जो कृष्ण भक्ति को अपनाते हैं एक्चुअली वो सबसे बड़े भाग्यवान व्यक्ति है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि गुरु नाम लघु नाम, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अगर तकलीफ आता है लेकिन भगवान कृष्ण का अगर कोई स्मरण करता है तो फिर एक्चुअली उसके लिए छोटा या बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान को आसानी से एक्चुअली पार करा लेते हैं। तो हर समय पे एक्चुअली हमको क्या करना चाहिए, भगवान के
शरण में जाना चाहिए अपने लिए। तो ये के कुंती महारानी का ये जो दैन्यता को दिखाए प्रस्तुत कर रही है कि मैं तो कोई बड़े भक्त नहीं हूँ, परमहंस न हूँ और मुनि नहीं हूँ, हमला पूरी तरह से अनर्थ से मुक्त नहीं हूँ, तो मैं कैसे आपको दर्शन कर सकती हूँ। इसलिए हमको हमेशा इस भावना से प्रस्तुत करना चाहिए कि मेरा अंदर कोई योग्यता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद भक्ति श्री चैतन्य चरिता शिक्षाष्टकम है, तीसरा है तो ये दो दो चीज के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए कहा गया कि दीनता, तो विशेष करके ये दीनता का भाव क्यों प्रकट होगा, जब हम अपने आप को तुच्छ मानेंगे, हमारी ना मान देना कीर्तन या सदारी, जब तक ये भावना नहीं आएगा हम दूसरे के शरण नहीं ले सकते, भगवान के शरण कैसे ले सकते। अगर हम अपने आप को मानते हैं कि मुझे कुछ आता है, इसलिए दीनता है। प्रभुपाद कहते कि पशुवत, जैसे किसी पशु को या बांध के रखा जाता है ना, रस्सी से उसको में रस लेके उसको बांध के रखा जाता है, मतलब वो पूरे जो है बेच जाता है। तो पूरी तरफ से जब अपने आप को बेच नहीं देते हैं वैष्णव के सामने, गुरु के सामने, वैष्णव के सामने, तब जो है, क्योंकि जो ज्ञान जो है ऊपर से वो नीचे आता है, जो अपने आप को हम समझते हैं कि मैं कुछ हूँ, तो मैं दूसरे का शरण कैसे ले सकता हूँ, वो शरणागति का भाव नहीं आएगा। तो जब तक हमारे अंदर शरणागति का भाव नहीं प्राप्त होता है, वो शरणागति से जो पहला अंग आता है कि दीनता। तो इसलिए भगवान जो है, क्योंकि ये जो दीनता को कहा गया कि ये जो है भक्ति देवी का, भक्ति माता का वाहन है ना, जैसे भगवान के विष्णु के वाहन गरुड़ जी है, और भगवान शंकर के वाहन नंदी बैल है, और ब्रह्मा जी के वाहन जो हंस है, इसी प्रकार का भक्ति माता का जो वाहन है वो क्या है, वो दीनता चली गई। तो हमारे सारे आचार्य एक्चुअली इसको प्रकट करते हैं, एक्चुअली सारे विशेष करके जो गौड़ीय धारा और जितना भी हम देखते हैं कि अलग जो वैष्णव संप्रदाय है उनके अंदर ये ठूस ठूस के पाया जाता है। क्योंकि जब तक अपने आप को इस दीनता का प्रकट नहीं करते हैं, और ये कोई आर्टिफिशियली नहीं है, लेकिन विशेष करके लोग सोचते हैं कि मैं अगर दीनता को प्रकट करूंगा तो मैं ठगा जाऊंगा। चलिए प्रभुपाद बोले नहीं, हम नहीं ठगा जाएंगे चलिए, है ना। वो आर्टिफिशियली कोई अगर करना चाहते हैं कृत्रिम उपाय से तो ठगा जा सकता है चलिए, क्योंकि एक भावना था जिससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। तो इसलिए दिना हिना जता जता छिलो हरि नाम उद्धारि लो तार साखी जगाए मधाई। भगवान गौर सुंदर जो है वो पतित पावन है, नित्यानंद प्रभु परम दयालु है, बाढ़ खाए पंचे। लेकिन जो व्यक्ति एक्चुअली अपने आप को सोचता है कि मैं सबसे पीछे हूँ, मैं सबसे लास्ट हूँ, हाँ, तो उसी को ही एक्चुअली भगवान का कृपा प्राप्त होता ही है ना। तो इसलिए भक्ति जो है नरोत्तम दास ठाकुर भी गाते हैं अपनी सुंदर प्रार्थना में, है ना। हम करके पंच तत्व के सामने इस प्रार्थना को हम रोज गाते हैं, है ना। तो इसलिए पतित देखिए वर्णिए, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि आपका नाम है पतित पावन, तो आप मेरे जैसे पतित आपको कोई नहीं मिलेगा। पतित पावन हेतु तब अवतार मौसम पतित हो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुमो बिना के दयालु जगत संचारे असली। तो हम विशेष करके गाने के लिए गा लेते हैं, लेकिन जब तक हमारे हृदय में इस भावना को प्रकट नहीं होगा तभी इस वस्तु को, इस चीज को हम समझ नहीं सकते, एक्चुअली हम इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य ने, जैसे प्रभुपाद जी भी लिखते थे हर
लेटर के अंदर योर मतलब हम लिखते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, योर एस्पायरिंग सर्वेंट। तो एक भक्त ने अपने पिताजी को खत लिखे तो उसमें भी लिख दिया एक्चुअली कि योर सर्वेंट। तो पिताजी बड़े आश्चर्य हो गए एक्चुअली कि अरे इसको क्या हो गया, ये ऐसा क्यों लिख रहा है, पागल हो गया है ना। तो ये एक्चुअली असली भावना है, इसलिए हम अपने वैष्णव हम एक दूसरे से एक्चुअली क्या प्रभु करके पुकारते हैं। तो ये एक्चुअली दीनता का भावना है, लेकिन वो सही ढंग से उसको प्रस्तुत होना चाहिए। जैसे कहानी के बारे में समझा जा सकता है कि जैसे घड़ा है और घड़ा के ऊपर एक्चुअली एक ढक्कन है, और जो है एक बार जो ढक्कन है वो बोल रहा है कि अरे जो भी आ रहा है आप उसको पानी पिला रहे हो, लेकिन ढक्कन बोल रहा है कि मुझे पानी नहीं पिला रहे हो। तो फिर घड़ा ने बताया कि आपको मैं कैसे पानी पिलाऊंगा, क्योंकि आप तो मेरे ऊपर बैठे हो, आप नीचे आओगे तभी मैं पानी पिलाऊंगा। तो एक्चुअली हम जो है गर्भ के कारण, अहंकार के कारण और ऐसा कुछ योग्यता के कारण तो हम अपने आप को बड़े समझते हैं। तो इसलिए हम जो है जब तक हम इस दीनता को नहीं अपनाते हैं तो ये जो भक्ति को समझना एक्चुअली हमारे जैसे परे आती नहीं समझ सकते। हाँ, तो इसलिए कुंती महारानी अपने प्रार्थना में ये बता रही है कि स्त्री सामान्य रूप से दार्शनिक भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्ति मता तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच से नतमस्तक हो जाती है, इसलिए झुक जाते हैं। झुक जाना मतलब सबसे बड़ा यह एक है ना, किसी के सामने अगर झुक जाते हम तो हमारे सारे अहंकार एक्चुअली क्या आते हैं, चूर्ण हो जाते हैं, मतलब और नष्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा विधि एक्चुअली हमको करना के लिए। तो इसलिए हम जब भक्तों को देखते हैं एक्चुअली उनके सामने प्रणाम करते झुकते हैं तो उससे हमारा दिन तक ऐसे। जो कुछ दिन पहले हमने जीव गोस्वामी के बारे में, मतलब जीव गोस्वामी का जो आविर्भाव किए थे, हाँ, तो उसमें सुनते हैं कि जीव गोस्वामी जो विशेष करके रूप और सनातन गोस्वामी के भतीजे है, उनके भाई के बेटे बल्लभ अनुपम के बेटे हैं, तो पिताजी ध्यान हो गया तो रूप गोस्वामी ने देखभाल किए और रूप गोस्वामी से वो दीक्षा लिए और रूप गोस्वामी के लिए वो सेवा कर रहे थे। जो रूप गोस्वामी ग्रंथ को रचना कर रहे थे उनके लिए सेवा कर रहे थे, उनके छोटे छोटे सेवा थी, बड़े प्रसन्न थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि वृंदावन में जो जिसको हम महाप्रभु कहते हैं, बल्लवाचार्य महाप्रभु जो पृष्ठ मारी है वहां पे जो श्रीनाथ में गोपाल जी की संप्रदाय स्थापन की सेवा पूजा करने थी है। तो वो महाप्रभु रूप गोस्वामी पास जो भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ का रचना कर रहे थे तो उन्होंने इस बल्वाचार्य को, क्योंकि बल्वाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु समकालीन थे, तो महाप्रभु जब उनको सॉरी रूप गोस्वामी पास उनको सौंपे एक्चुअली कि ग्रंथ जो है उसमें थोड़ा कुछ संशोधित कीजिए, त्रुटि निकालिए, तो ये बल्वाचार्य एक्चुअली थोड़े अहंकार के कारण उन्होंने थोड़ा त्रुटि निकाला, लेकिन जीव गोस्वामी इसको सहन नहीं कर पाए कि कैसे रूप गोस्वामी के रचना में त्रुटि हो सकता है। तो जब रूप गोस्वामी को पता चला तो रूप गोस्वामी बोले ये वृंदावन ऐसा धाम है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के अहंकार है ना, तो इसलिए आप वृंदावन में रहने के लिए योग्य नहीं हो, चले जाओ। वो चले गए चुपचाप, हम चलिए कई दिनों तक एक्चुअली बाहर जाके वृंदावन से बाहर बड़े विक्रमती है। और फिर सनातन गोस्वामी ढूंढते ढूंढते उनको खोजे और फिर वापस लेके आए और फिर सेवा करने लगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि दिग्विजय पंडित जब उनका रूप नारायण करके उनका जो प्रकट हुआ तो वो भी एक्चुअली क्या कि बड़े 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 अहंकारी थे। वो जो उनको पता चला कि रूप गोस्वामी यहाँ के वृंदावन के सबसे बड़ा विद्वान पंडित है तो उनके सामने विवाद करने के लिए आए।
रूप गोस्वामी बड़े नम्रता से बोले कि मेरे पास समय नहीं है। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, तो आप मान पत्र दे दीजिए कि मुझसे हार गए अपने। तो रूप गोस्वामी उसको स्वीकार करके दे दिए और जाते जाते दिग्विजय पंडित रूप नारायण जीव गोस्वामी से मुलाकात हुआ। तो जीव गोस्वामी को उनको विवाद करके उनको हराए। तो जब इनको रूप गोस्वामी साथ को पता चला तो रूप गोस्वामी ने फिर से उनको दोबारा निकाल लिया और वो चले गए और बाहर जाके नंदगांव में कहीं यमुना के किनारे गुफा में रहते थे। अपने भोजन तक त्याग कर लिए और विशेष करके अचुलिका कहते दिन रात अचुलिका हरिनाम उच्चारण कर रहे थे। तो रोज सनातन गोस्वामी जब ढूंढते ढूंढते आए तो उनको जब पता चला और यहाँ पे ऐसे कोई एक महान संत है उनको मिले और उनको वापस लेके गए। और जब रूप गोस्वामी को मिले और रूप गोस्वामी को पूछे बताए कि महाप्रभु का जो विशेष कर शिक्षा था कि नाम रुचि जीव दया और वैष्णव सेवा, तो आप नाम में रुचि है आपका, आप वैष्णव सेवा कर रहे हैं लेकिन जीव के प्रति दया नहीं कर रहे। रूप गोस्वामी को समझ में नहीं आया। अंत रूप गोस्वामी जो है सनातन गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी को बुलाए। फिर जीव रूप गोस्वामी को समझ में आती मैं जीव गोस्वामी के प्रति दया नहीं कर रहा हूँ। तो विशेष करके ये दो लीला में इसमें जो अभी रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के माध्यम से तो कैसे हमको वृंदावन में रहना कि योग्यता को प्राप्त हासिल करने के लिए हमको नम्र होती है, तो ये शिक्षा विशेष करके वहां पे प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि कहीं पे भी कोई पूरे विश्व भर में कोई भी ऐसे अनुष्ठान मतलब धार्मिक सम्मेलन होता है तो वहां पे विशेष करके हम देखते हैं कि स्त्री का संख्या ज्यादा होती है, अधिक होता है ना, क्योंकि वो सरल होते हैं। इसलिए बड़े सरलता से भगवान की सत्ता की स्वीकृति यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से यही अधिक प्रभावदायक है। तो इसलिए कुंती महारानी अपने ये प्रार्थना में ये बताया कि भगवान को देखने का विधि क्या है कि ये जो है दीनता के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते जान सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई जिज्ञासा प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। यस पूछिए पूछिए। कृष्णा इसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत दंडवत ऋषि प्रभु बताइए। ऋषि प्रश्न नहीं है प्रभु जी मेरा, कल आप निकलेंगे तो बिलासपुर से थोड़ा मेरे को। हाँ हाँ मैं बता। यस यस हरे कृष्णा। तो आप सबको धन्यवाद। तो अभी भगवान के विशेष कृपा है कि हम फिर से ऑनलाइन में जुड़े रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रोजी। हरे कृष्णा।